अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रेसिपी क्रीमी गार्लिक चिकन की। तो चले मैं आपको बताती हूँ इसको हम कैसे बनाएंगे। दो पीसेस मैंने लिए हैं यहाँ पर चिकन ब्रेस्ट के। ये डबल क्रीम है, एक प्याली तकरीबन ये 150 ml होगी। नमक आपको चाहिए होगा हसबे जायका। प्याज आपने लेने हैं, इनको बहुत फाइनली चॉप करना है। ये चॉप होने के बाद तकरीबन 2 टेबल स्पून है। ओरिगानो आप लेंगे, ये तकरीबन 1 टीस्पून है। बटर आपको चाहिए होगा 2 टेबल स्पून। 3 अदद मैंने यहाँ पर लहसुन लिया है जिसको मैंने फाइनली चॉप किया, और 3 ही लहसुन के पीसेस जो थे उनको मैंने अच्छी तरह से कूट लिया। पिसी हुई काली मिर्च मैंने यहाँ पर ली है, तकरीबन 1/2 टीस्पून है। आप नमक मिर्च के लिए आप हमेशा अपना अंदाजा रखें, अगर आपको स्पाइसी ज्यादा पसंद है तो थोड़ा आप इसको बढ़ा लें या कम कर लें। ऑलिव ऑयल मैंने लिया है 2 टेबल स्पून, आप कोई दूसरा ऑयल भी यूज कर सकते हैं। और सफेद पिसी हुई मिर्च मैंने ली है यहाँ पर 1/2 टीस्पून। तो चलें शुरू करते हैं। अच्छा जी, इंग्रेडिएंट्स में एक और चीज चाहिए होगी आपको, आपको तकरीबन 1 मग चाहिए होगी चिकन की यखनी। वो मैंने आपको दिखाई इसलिए नहीं क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी बनाने के लिए रखती है, बिल्कुल सिंपल। उसमें आपने कुछ नहीं डालना है, सिर्फ 1 पिंच आप डालेंगे नमक की और 3 से 4 अदद साबुत काली मिर्च, बस आपको उसके लिए यही चाहिए होगा। अच्छा, तो अब ये मैंने जो दोनों ब्रेस्ट के पीसेस थे ये मैंने इसमें फूड बैग में रख दिया है, और ये मेरे पास कुंडी का डंडा है, मैं इससे इसको हल्का हल्का इस तरह से कर लूंगी ताकि ये थोड़ा और लीन हो जाए। ठीक है, दोनों साइड से इस तरह से। आपके पास कोई भी ऐसी चीज हो आप उससे इसको कर सकते हैं। बस अब मैं इसको निकालती हूँ इसमें से। अच्छा जी, तो ये चिकन को मैंने निकाल लिया है दोबारा से इसी प्लेट में। अब मैं नमक लेती हूँ, नमक इसके ऊपर मैंने डाला, जो पिसी हुई काली मिर्च है वो डाली, और आपका जो पिसा हुआ हमने लिया है लहसुन वो मैंने डाला, और इसको अच्छे से इस तरह से लगा लेती हूँ। सेम स्टेप मैं करूंगी दूसरी साइड के साथ भी। नमक डालें आप, काली मिर्च, बचाने वाला जो लहसुन है। अच्छा, तो मैं इसको अच्छी तरह लगाकर इस पर तो तकरीबन 10 मिनट्स के लिए जो है मैं इसको छोड़ दूंगी। अच्छा जी, पैन में मैंने डाल दिया है ऑयल जो कि गर्म हो गया, और इसमें मैं डाल देती हूँ अपना अनसॉल्टेड बटर, इसको भी मैं साफ ही थोड़ा सा मेल्ट कर लूँ पहले। तो चिकन क्योंकि हमारा 10 मिनट हो गए हैं, फ्लेम को मैं थोड़ा कम कर देती हूँ, और जो चिकन के पीसीज हैं वो मैं इसमें रख देती हूँ। क्योंकि ब्रेस्ट के पीसेस हैं ये बड़ी जल्दी जल्दी इजीली जो है वो हो जाते हैं कुक, तो इनको मैं मीडियम फ्लेम, लो टू मीडियम फ्लेम पे मैंने इन्हें रखा है। अच्छा जी, अब मैं इसकी साइड कर देती हूँ स्टीम। गार्लिक लवर्स के लिए तो ये बहुत ही एक स्पेशल डिश है, इससे गार्लिक का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अच्छा, तो चिकन हमारा हो गया अच्छे से, ये मैं निकाल लेती हूँ। और अब इसमें जो गार्लिक के आपको थोड़े छोटे पीसेस नजर आ रहे हैं तो आपको लगता है कि वो ज्यादा थोड़े बर्न हो चुके हैं, इनको मैं इसमें से ऑयल में से रिमूव कर देती हूँ। अच्छा जी, तो अब उसी ऑयल में मैं पहले मैंने 1 टेबल स्पून बटर डाला था, रिमेनिंग 1 टेबल स्पून मैं अब डालती हूँ। फ्लेम मैं थोड़ा सा मीडियम कर दूँ। ये बटर जरा सा मेल्ट होता है,
मैं इसमें डाल देती हूँ चॉप किया हुआ अनियन यानी कि प्याज, बस इसको जरा 2 मिनट बाद देखेंगे। और बस बिल्कुल आपने 1 से 2 मिनट इसको देनी है। और अब मैं इसमें चॉप किया हुआ लहसुन भी ऐड कर दूंगी। और जरा मैं 2 मिनट इनको सॉटे करूंगी। अच्छा जी, अब इसमें मैं यहाँ पर ऐड कर लूंगी जो चिकन स्टॉक है। और जो आपकी पिसी हुई सफेद मिर्च है वो आप ऐड करेंगे। और इंग्रेडिएंट्स में मैंने आपको लेमन जूस नहीं बताया था, अब 1 टेबलस्पून लेमन जूस भी ऐड करेंगे। लेमन जूस पे मैंने इसमें ऐड कर लिया है। अब ये जो डबल क्रीम है मैं इसमें ये ऐड करने वाली हूँ। मीडियम मैंने फ्लेम किया है, इसको थोड़ी हमने सॉस की शक्ल देनी है, तो मैं इसको मीडियम फ्लेम पर कुक कर रही हूँ। अच्छा जी, यहाँ आप नमक और जो आपने सफेद पीसी हुई मिर्च डाली है आप उसका टेस्ट चेक कर सकते हैं, अगर आपको कम लगता है तो आप और ऐड कर लें। काली मिर्च यहाँ पर ना डालने का रीजन ये है कि फिर उसका जो कलर है सॉस का वो ये वाला नहीं होगा, थोड़ा ब्राउन और ब्लैकिश सा हो जाएगा, तो इसलिए आप कोशिश करें कि यहाँ पर सफेद पीसी हुई मिर्च डालें। 5 मिनट्स मैंने इसको मीडियम फ्लेम पर जो है वो कुक की है। और अब मैं जो चिकन के पीसेज है मैं वो इसमें डाल देती हूँ और मैं इसको मीडियम फ्लेम पर कुक कर लेती हूँ। जी, तो अब आप देख सकते हैं कि सॉस की कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ी सी चेंज हो चुकी है। और इस स्टेज पर आकर मैं जो पार्सले है सॉरी ऑरिगैनो है ऑरिगैनो मैं ऐड करूंगी, क्योंकि मैं पूरा नहीं ऐड करी, थोड़ा सा मैं गार्निश के लिए रखूंगी। आप ऑरिगैनो नहीं है तो आप पार्सले भी ऐड कर सकती हैं, और अगर दोनों चीज़ें नहीं है तो लोकली हमारे पास धनिया तो मौजूद होता है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। जी, ये बिल्कुल अब रेडी है तो मैं इसको डिश आउट करती हूँ। और ये हमारे पास मज़ेदार सा क्रीमी गार्लिक चिकन जो है वो रेडी है। ख़ुद भी खाएँ, आने वाले मेहमानों को भी खिलाएँ और खूब दाद वसूल करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।